बाबा आगे कहते हैं, साधना मार्ग में प्राण को नियंत्रित करने के दो कौशल हैं, प्राणायाम और धारणा। प्राणान यमयत्येषः प्राणायामः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायामः। पूर्व ही कह चुका हूँ कि जगत में प्रत्येक शक्ति की गति वह क्रिया मूलक या प्रतिक्रिया मूलक ही क्यों न हो, निश्चय ही संकोच विकाशी है। प्राण क्रिया की परिणति की अवस्था यही संकोच काल या विरति और स्टॉपेज की अवस्था है। इस विरति की अवस्था किसी जीव देह में ज्यों ही स्थायी रूप से प्रतिष्ठित होती है, त्यों ही प्राण क्रिया की गति संपूर्ण रूपेण बंद हो जाती है, जो मृत्यु की अवस्था है। उस अवस्था में मन या अन्य किसी इंद्रिय के काम नहीं कर सकने के कारण यह अति दीर्घ विरति भी कोई ग्रहण या धारण कार्य नहीं कर पाता है। प्राणायाम साधना प्राण को संयत करने की साधना है, विरति को दीर्घायत करने की साधना है, एकाग्रता तथा भाव ग्रहणी शक्ति को बढ़ाने की साधना है। प्राणायाम साधकों का भी प्राण का प्रकाश संकोच विकाशी है। विभेद मात्र इतना ही है कि इसकी विरति काल अपेक्षाकृत दीर्घ है। धारणा साधना में चित्त की स्थिर भूमि विषय की स्थिरता के कारण प्राण क्रिया भी क्रमशः दीर्घ विरति प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया के विकास तरंग भी ह्रास प्राप्त करती हैं। परिणाम स्वरूप देखा जाता है कि मनुष्य स्थिर भाव से जब भी किसी विषय की चिंता करता है, भाव्य विषय की रूप तरंग से स्थायित्व वृद्धि के साथ ही उसके प्राण की गति क्रमशः स्थिर हो जाती है। इस प्राणायाम का अपव्यवहार भी होता है। प्राणायाम संभूत संकोच काल में साधक यदि अपनी उस संकोचनी शक्ति को सूक्ष्म ब्राह्मी भाव की ओर न ले जाकर अपनी क्षुद्रता अभिमानी भाव को ही प्रकाश करने लग जाए, अर्थात ब्रह्म भावना ग्रहण न कर क्षुद्र मैपन को व्यक्त ही करने में संलग्न हो जाए, तो क्रमशः वह जड़त्व की ओर ही गतिवान होता रहेगा। प्राणायाम नहीं कर भी यदि कोई मनुष्य क्षुद्र मैपन को उग्र भाव से भोग की ओर ले जाना चाहे तो उसकी भी उपरोक्त दशा होगी। जो ब्रह्म भाव नहीं लेता है उसके लिए प्राणायाम अत्यंत क्षतिकर है, अति ध्वंसकारक है। साधारण अवस्था में भी देखा जाता है कि मनुष्य जब विनिष्टि मन से कोई काम करता है तब उसकी संकोचनी शक्ति बढ़ जाती है, प्राण की गति संहत होती है तथा नियंत्रित होती रहती है, और ज्यों ही कोई भोग मूलक या जड़ भावात्मक क्रिया करता है त्यों ही प्राण की गति असंभव रूपेण चंचला हो उठती है। उस अवस्था में वह न तो कुछ समझ सकता है, न कुछ विचार कर सकने की मानसिक स्थिति ही उसकी रहती है। देह की चंचलता से प्राण में चंचलता आती है, इसलिए ध्यान मूलक प्रत्येक कार्य ही स्थिरासन में बैठ किया जाता है, जिससे ध्यान क्रिया और प्राणायाम पारस्परिक सहयोगिता के पथ पर अग्रसर हो सकें। उपासना काल में बार बार शरीर का हिलना डुलना, सोना बैठना एवं उठ खड़ा होना मानसिक स्थिरता के लिए अत्यंत हानिकारक है। इससे साधना के मूल उद्देश्य पर कुठाराघात होता है।
यस्त्व विज्ञानवान भवत्य मनस्कः सदा असुचि है, न स तत्पदमाप्नोति संसारं चागति गच्छति। जो विज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं है, अर्थात जिसे साधना का प्रकृत संकेत नहीं मिला है, जिसका मन बुद्धि के साथ संयुक्त नहीं है, जिसका मन हीनता की कलुष कालिमा में हमेशा अवलिप्त है, वह ब्रह्म को पा नहीं सकता है। साधकों, जिस स्मरणीय घड़ी से तुम साधना मार्ग में चलना शुरू किए हो, उस मुहूर्त से अपने अतीत के कार्यकलाप, अपने गौरवमय अथवा कलमस पंकिल कहानियों को तुम्हें भूल जाना होगा। पीछे की ओर मत देखो, तुम्हारी आंखें पीछे नहीं हैं। अतीत का स्वसृष्ट घृणयावर्त तुम्हें पटक न दे, इसके लिए सतर्क रहना आवश्यक है। आगे की यात्रा जिससे हमेशा निर्विघ्न रहे, इस उद्देश्य से भूत पर विहंगम दृष्टि भर डाल लेना प्रयोजनीय है, इससे अधिक नहीं। मैं असाधु हूँ, मैं असुचि हूँ, मैं पापी हूँ, हे प्रभो तुम मुझे त्राण करो, ऐसी मनोवृत्ति को तुम कदापि प्रश्रय नहीं दो, क्योंकि मनुष्य जैसी भावना लेता है वैसा ही हो जाता है। मैं असुचि हूँ, मैं पापी हूँ, ऐसा सोचते सोचते मन में एक प्रकार की एक जड़ता या हीन मान्यता आ जाती है, जिसके फलस्वरूप पौरुष बलियान हो अपने पथ के रोड़ों को हटाकर पथ निर्धारण करने में असमर्थ हो पड़ता है। इसलिए कहता हूँ, इस प्रकार की हीन मान्यता बोध जब तक तुम्हें घेरे हुए है, तब तक ब्रह्म पद पाना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। दूसरों को त्राणकर्ता समझकर हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से या 24 घंटे सीखे सिखाए हुए मैना के जैसा प्रार्थना करते रहने पर उस परम पद को पाना संभव नहीं हो सकता है। पुनः कहूँ, तुम्हारा अतीत जीवन कितना ही हीन क्यों न हो, अभी से ही, इस मुहूर्त से ही उसकी स्मृति को मन से बाहर फेंक दो। तुम्हारे नूतन जीवन का अभी से सूत्रपात हो, इसी मुहूर्त से तुम साधना में प्रवृत्त हो जाओ। इसे कल के लिए कदापि न छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कल का सूर्योदय नहीं भी हो सकता है। यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा सुचि, स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते। जो विज्ञानवान हैं वे जानते हैं कि कर्मफल का भोग अवश्यंभावी है, अतः वे इसे लेकर व्यर्थ की चिंता में समय नष्ट नहीं करते हैं। वे साहसपूर्वक दिल थाम कर ब्रह्म भाव में उद्दीप्त होकर कर्म फलात्मक सकल दुर्विपाक सकल विपर्यय के बोझ हंसते हुए ग्रहण करते हैं। उन्होंने मन में अतीत को उखाड़ फेंका है, इसलिए वे सर्वदा अपने को शुचि समझते हैं। ब्रह्म के इस अमृत निश्यंद भाव को जिन्होंने थोड़ा भी अनुभव किया है, वे जानते हैं कि मैं कदापि असुचि नहीं हो सकता। यह सदा शुचि भाव उनके संस्कार को क्षय कराने में विशेष भाव से मदद करता है, जिसके फलस्वरूप उनके प्राण की स्थिर भूमि में धृत संस्कार क्रमशः नश्यात होता रहता है। साधना की मदद से अभ्यंतरीण या बहिरंगिक भाव से उनका कर्मभोग शेष रह जाता है। साधक गण इसका ही नाम साधकाग्नि में कर्म बीज का दहन कहते हैं। विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान्नरः सो अध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्। साधना के कारण कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय तथा प्राण तीनों प्रकार की इंद्रियां ही धीरे धीरे स्थिरत्व लाभ करती हैं। सभी इंद्रिय वृत्ति
सुस्थिर हो, जब उस परम सत्ता के भाव में भावित हो पड़ती है, तब उसे समाधि कहा जाता है। स्थिरता के अभ्यास को नहीं कर समाधि संभव नहीं है, कारण स्थिरता नहीं रहने से ध्यान होता ही नहीं है और ध्यान नहीं होने से समाधि हो ही नहीं सकती। यह ध्यान साधना विज्ञान रूपी सारथी की मदद से मन रूपी प्रग्रह को प्रकृष्ट रूप से नियंत्रित करना छोड़ और कुछ नहीं है। जीवन देह में सरसरे विचार से 50 वृत्तियों का प्रकाश होता रहता है। इन वृत्तियों की अल्पता या प्राबल्य देहस्थ विभिन्न ग्रंथियों के रस श्रवण के ऊपर निर्भर करता है। तो भी मन के संबंध में यदि कहा जाए तो कहना होगा कि मन की यथायथ क्रियाशीलता देह की विभिन्न ग्रंथियों के रस क्षरण के ऊपर निर्भर करती है। स्नायु तंतु की प्रवाह वहन शक्ति के ऊपर और स्नायु कोष के भावस्पंदी सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करती है। अर्थात किसी भी एक भाव ग्रहण या वर्जन के साथ साथ मनुष्य के शरीर तथा मन दोनों ही प्रभावित हो पड़ते हैं। एक दृष्टांत दूं, भूत की चिंता के साथ ही साथ मनुष्य भूत के द्वारा अपनी संभाव्य विपत्ति की बात को सोच लेता है। अर्थात भूत की भावना भयवृत्ति के साथ ओतप्रोत भाव से जड़ित रहती है। यदि दूसरी भाषा में कहा जाए तो भयवृत्ति की प्रेरणा से ही मनुष्य ने प्राचीन काल में भूत की भावना लेना सीखा था, और उन दिनों मनुष्य की उस चरम असहायता के दिनों में भी बौद्धिक शक्ति की अल्पता निबंधन युक्ति प्रदान कर वह भूत को भगा नहीं पाया। आज के मनुष्य के बीच भी उन दिनों से ही भूत मानने की परंपरा जीवित है। जिस शिशु ने स्वाभाविक नियम से भूत मानना नहीं सीखा है या सबल से धक्का पाकर अपनी भयवृत्ति को पनपा नहीं पाया है, वयस्क लोग जोर देकर उसके मन में काल्पनिक भय की भावना सृष्ट कर उसके मन में काल्पनिक भूत को बैठा देते हैं। पशु जीवन की अभिज्ञता के कारण उसके मन में भय का एक प्रबल संस्कार पहले से रहता ही है। वयस्क लोग उसे पुनः पनपा देने की चेष्टा करते हैं। अवदमित भूत की भावना अनुकूल परिस्थिति पाकर सभी उम्र के मनुष्यों के बीच भी उदित हो सकती है। इसलिए जिसने भूत की बातें सुनी ही नहीं या जो भूत नहीं मानता है, उससे भूत मनवाने की चेष्टा करना अत्यंत अन्यायोचित है। जिससे मनुष्य भूत तथा सर्वविध भयवृत्ति के ऊर्ध्व उठ सके, उस प्रकार की उसे सहायता करना उचित है। इससे सहज ही वृत्ति नियंत्रित होती है और मन भी मजबूत हो उठता है। तुम लोगों ने शायद सुना है, कोई मनुष्य द्वितीय विवाह करने के उपरांत प्रथम पत्नी की प्रेतात्मा को देखता है अथवा उसकी द्वितीय पत्नी अपनी सौतिन को देखती है। वे वस्तुएँ ठीक इसी प्रकार से मन के खेल हैं। दूसरा विवाह करने के बाद से ही भूत पर विश्वास करने वाला दुर्बल चित्त का कोई कोई मनुष्य बारंबार प्रथमा स्त्री की चिंता करता रहता है। सोचता है उसके इस विवाह से प्रथमा स्त्री असंतुष्ट हो सौतिन को शास्ति देने जाएगी। द्वितीय स्त्री भी अनेक समय इसी प्रकार की चिंता करती है। फलस्वरूप दोनों ही कभी कभी अपनी मन सृष्ट तथा कथित प्रेतात्मा को देखते हैं तथा सोचते हैं कि सचमुच ही प्रेतात्मा आई है। वे भय से आतंकित हो उठते हैं, कभी अचेत हो पड़ते हैं, कभी या तो उक्त तथा कथित प्रेतात्मा के संबंध में जो सब संभाव्य बातें सोचा करते थे उसे ही जड़ित कंठ से बोलना प्रारंभ करते हैं। मनुष्य सोचता है कि उसे भूत ने पकड़ लिया है। ऐसी अवस्था में काममय कोष के साथ मनोमय कोष पूर्ण भाव से या आंशिक भाव से समाहित हो जाने के कारण वास्तविक ज्ञान ठीक नहीं रहता है। ससुर या जेठ का विचार नहीं कर उस समय वह अपने काम में कोष की कल्पना धारा को वाहिक रूप दे देती है।
भूत झाड़ने के लिए ओझा आता है, वह विभिन्न वस्तुओं के धुएं से रोगी के मन को उचाट देने की चेष्टा करता है, काममय कोष को स्वाभाविक अवस्था में ले आने की चेष्टा करता है, प्रहार करता है, गाली गलौज कर उसके स्नायु पुंज पर वास्तविक बोध जगाकर उसके काममय कोष को जागृत कर देने की चेष्टा करता है। उपस्थित जन समुदाय को विभ्रांत करने के लिए बड़बड़ा कर दो चार मंत्र उच्चारण करता है। तुम लोग अन्य प्रकार के एक भूत पकड़ने की बात तो देखे होगे। इस दशा में जागृतावस्था में भूत के भय के काममय कोष को अधिक दुर्बल नहीं होने देती है, किंतु निद्रावस्था में वह दृढ़ता नहीं रह पाती है, जिसके फलस्वरूप निद्रित अवस्था में साधारणतः चित होकर सोने की अवस्था में वह स्वप्न देखता है कि उसका काल्पित भूत उसी के कलेजे पर सवार है। स्वप्न मनोमय कोष की क्रिया है। उसके स्वप्नावस्था में मनोमय कोष का कोई कल्पित भूत सुंदर भाव से रूप परिग्रह करता है तथा रोगी की कल्पित भाषा में ही उसे कुछ सुनाता रहता है। स्वप्नावस्था में ही भय से रोगी के मन में प्रचंड जड़ता एवं अंत में अति जड़ता के कारण वह घिघियाने लगता है। लोग उसे भी भूत धरना समझ लेते हैं। इस स्थिति को साधारणतः घिघियाना या बवाना कहते हैं। अधिकांशतः अतीत में जिसके प्रति अत्याचार किया गया है, वैसे व्यक्ति की मृत्यु के बाद दुर्बल चित्त अत्याचारी ही ऐसा देखते हैं, तो समझे कि भयवृत्ति को मन में प्रश्रय देना कहाँ तक क्षतिकर है। ये सारी बातें केवल भयवृत्ति के संबंध में ही कहा है। दरअसल प्रत्येक वृत्ति के संबंध में ही एक ही प्रकार की बातें कही जा सकती हैं। ब्रह्म को पाने के लिए सब प्रकार की वृत्तियों के ऊर्ध्व पहुँचना ही होगा। वृत्ति के परित्याग किए बिना ब्रह्म प्राप्ति असंभव है। योगस चित्त वृत्ति निरोधः। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि ब्रह्म को पाने की यह जो चेष्टा है, क्या वह कोई वृत्ति नहीं है? उत्तर में कहूँगा नहीं, ब्रह्म प्राप्ति की चेष्टा कोई वृत्ति नहीं है, क्योंकि वृत्ति क्षुद्रमयपन केंद्रित भोग के दबाव के ऊपर निर्भर करता है। क्षुद्रमयपन के प्रयोजनार्थ अन्य शबों को ग्रसित करने की प्रचेष्टा के ऊपर निर्भर करता है, किंतु ब्रह्म प्राप्ति की प्रचेष्टा या ब्रह्म साधना है क्षुद्रमयपन को बृहत्मयपन में संप्रदान करने की चेष्टा। इसलिए उसे वृत्ति नहीं कहूँगा, काम भी नहीं कहूँगा। साधना वृत्ति कोई वृत्ति नहीं है, वह प्रेम की ही पूर्ण अभिव्यक्ति है। आत्मकेंद्रीय प्रीति इच्छा तारे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुखवांछा हय प्रेमेते प्रबल। जिस मनुष्य के शरीर रूपी रथ का सारथी विज्ञान है, वह उस प्रेमघन विराट ब्रह्म सारूप्य में निश्चय ही पहुँचेगा। इस स्वरूप में पहुँचने का जो पथ है, वही साधना मार्ग है, उसका ही नाम आनंद मार्ग है। प्रेम का यह जो स्वरूप है, वही रसघन है, वही आनंद घन सत्ता है, उसे ही विष्णु का परम पद द सुप्रीम रैंक ऑफ विष्णु कहा जाता है। इस परम पद में कोई मनोगत भाव की सामान्यतम संभावना नहीं रहने के कारण यह अवस्था सुख दुख के बाहर की अवस्था है। त्रिपादग्ध जीव के सभी दुखों की आत्यंत की निवृत्ति परम पद में ही होती रहती है। दुख निवृत्ति दो प्रकार की है, एक क्षणिक निवृत्ति और दूसरी आत्यंत की निवृत्ति। क्षणिक निवृत्ति जिस वस्तु की मदद से मिलती है, उसे अर्थ कहा जाता है, और उसके द्वारा आत्यंत की निवृत्ति होती है, उसे परमार्थ कहा जाता है। त्रिविध दुखों से आत्यंत की निवृत्ति सिर्फ साधना लब्ध प्रज्ञा स्थिति में ही होती है। इसलिए इस प्रज्ञा स्थिति में परमार्थ है और साधना इस आत्यंत की निवृत्ति का सोपान है। इसलिए जीवों के लिए ब्रह्म साधना ही एकमात्र करणीय विषय है, क्योंकि यह सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य के
इंद्रिय समूहों की गति धारा बहिर्जगत से संपर्कित रहती है, क्योंकि मनुष्य की मानस सत्ता को वस्तु जगत से संपर्कित करना ही उसका स्वभाव है। जड़ पांचभौतिक उपादान समूह क्रूड फैक्टर्स इंद्रिय समूह का विषय होने के कारण इंद्रियां भी जड़ भावात्मक होती रहती हैं। बहिर्जगत के सृष्ट शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध इन पंच तन्मात्राओं को जीव भाव के अंतरलोक में पहुँचने के कार्य में व्यस्त रहने के कारण इंद्रियों को संपूर्ण रूपेण जड़ पर्याय भुक्त नहीं कर पाती है। इन तन्मात्राओं की अनुभूति जो केवल आभ्यंतरीण लोक में होती है, यदि उसे संपूर्ण रूपेण मानसिक प्योर साइकिक कहें तो उस संपूर्ण मानसिक सत्ता के स्थूल परिवाहक इंद्रियों को मानसवाहिक कहना पड़ेगा। इसे जड़ भावात्मक अवस्था से उद्धार कर चैतन्य भावनात्मक और चैतन्य भावात्मक अवस्था में ले जा सकता है। मन अर्थात इस क्षेत्र में चित्त और अहं तत्व तन्मात्र से और भी सूक्ष्म है, क्योंकि वह तन्मात्र के अस्तित्व का निर्धारक है। इंद्रिय व्यह परा ह्यार्था अर्थे व्यश्च परंगनः मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धेरात्मा महान परः। इंद्रिय समूह मनोवाहिक है, इसलिए इसमें जितना जड़ भाव है मानसिक तत्व तन्मात्र में जड़ भाव उतना ही कम है। इसलिए इंद्रियों की बनिस्वतः तन्मात्र सूक्ष्म और श्रेष्ठ हैं। इस तन्मात्र समूह का अधिष्ठान चित्त में ही है, इसलिए इनसे चित्त और भी श्रेष्ठ है। चित्त और अहं तत्व की सभी क्रियाशीलताएं या वस्तु ग्रहण भाव बुद्धि तत्व या महातत्व के ऊपर निर्भरशील है, इसलिए महातत्व इन सबों से और श्रेष्ठ है। इस महातत्व यूनिट आई फीलिंग से तुम्हारी बृहत्तर सत्ता श्रेष्ठ है, तुम्हारा बृहत मैपन श्रेष्ठ है। इसे तुम सगुण ब्रह्म कहते हो, इसे अन्य भाषा में क्वालिफाइड सुप्रीम कॉन्शसनेस कहा जा सकता है। महतः परम व्यक्त अव्यक्तात्म पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित सा काष्ठा सा परागति। इस सगुण ब्रह्म की अपेक्षा अव्यक्ता परा प्रकृति श्रेष्ठ है, कारण उसमें सगुण ब्रह्म को गुणान्वित करने की सामर्थ्य है, अर्थात सगुण ब्रह्म का सगुण ब्राह्मत्व उनकी गुणात्मक अभिप्रकाश के ऊपर संपूर्ण भावेण निर्भर करता है। इस परा प्रकृति की अपेक्षा पुरुष श्रेष्ठ हैं। यह पुरुष ही सभी सृष्ट वस्तुओं के चरम अवस्था फाइनल स्टेज हैं, वही चेतना का चरम शिखर द सुप्रीम रैंक ऑफ कॉन्शसनेस हैं। इस सृष्ट जगत में तुम कहीं भी रंज मात्र स्थिरता नहीं पाओगे, सभी कोई सामने की ओर बढ़ रहा है। जगत शब्द गम धातु में क्विप प्रत्यय लगाकर निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ चलायमान होता है। इस जगत की सभी वस्तुओं को ही चलना पड़ रहा है, चलना है, चलना ही होगा, आगे बढ़ चलना ही सबों का धर्म है। गति के छंद में ही प्राण का स्पंदन है, गति की धारा में ही जीव विद्रित है। यह गति जिस दिशा की ओर है, यह गति जिसके लिए है, ही इज द फाइनल डेस्टिनेशन, ही इज द टर्मिनस। वे ही जीवों के सभी गतियों के अंतिम बिंदु हैं, सबों का गंतव्य स्थान है, धारा प्रवाह का शेष प्रांत है। ये सर्वेषु भूतेषु गुढ़ो आत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। उनमें ही पहुंचकर सबों के चलने का अंत है। इस निस्पंदता के अंदर
अभ्युत्थान का कोई बीज अवशिष्ट नहीं रह पाता है। उनमें पहुंचने के लिए साधना की विशेष धाराओं को मानकर चलना ही होगा, विशेष क्रम का अनुशीलन करना ही होगा। सिर्फ दर्शन पढ़ लेने से, लंबी चौड़ी वक्तृता दे देने से या बड़ा सा प्रबंध लिख सकने पर उन्हें नहीं पाया जा सकता है। उन्हें साधना के पूर्ण क्रियात्मक व्यवहार से तथा तत्संक्रांत व्यवहारिक ज्ञान अर्जन कर प्राप्त करना होगा। ज्ञान यदि नहीं भी रहे लेकिन क्रियात्मक साधना जो आभ्यंतरीण विभिन्न स्तर विन्यस्त शुद्धिकरण के द्वारा उपलब्ध होती है उसे अवश्य ही करना होगा। स्मरण रखना होगा कि साधना का 16 आना इस आभ्यंतरीण पवित्रीकरण के ऊपर ही निर्भरशील है। इसमें लोक दिखावे का सुयोग एक आना मात्र भी नहीं है। ऋषि कहते हैं, यच्छे द्वान मनसी प्रज्ञस्त यच्छे ज्ञान आत्मनि ज्ञान आत्मनि महति नियच्छे तद्यच्छत शांत आत्मनि। तुम अपने इंद्रिय शक्ति समूह को प्राण शक्ति में समाहित करो, इसके फलस्वरूप तुम्हारी इंद्रिय शक्ति की सुप्त संभावनाएं तुम्हें अधिकतर प्राणवान बना पाएंगे, अधिकतर मन शक्ति संपन्न कर पाएंगे। इसलिए प्रज्ञजन उक्त प्रकार की प्रचेष्टा में रत रहते हैं। इस जागृत मन शक्ति को धीरे धीरे बुद्धि सत्ता में अर्थात अपने सूक्ष्ममयपन के बोध में मिला दो, अर्थात इंद्रिय की पोटेंशियलिटी को मेंटल पोटेंशियलिटी में और मेंटल पोटेंशियलिटी को आई फीलिंग पोटेंशियलिटी में मिला दो। पुनः अपने जीव तत्व भावाश्रयी वृत्ति तत्व की सभी संहत शक्ति को विराट मयपन में अर्थात सगुण ब्रह्म की सत्ता में मिला दो, अर्थात यूनिट आई की समस्त पोटेंशियलिटी को कॉस्मिक आई पोटेंशियलिटी में मर्ज करा दो। ज्ञानी लोग अंत में इस प्रकार के मैं केंद्रित सभी पोटेंशियलिटी को निष्कल शांत निर्गुण सत्ता में समाहित कर सर्व दुश्चिंताओं से परित्राण पा लेते हैं। इस प्रकार अणु चैतन्य को भूमा चैतन्य में तथा व्यष्टि सत्ता को समष्टि सत्ता में मिला देने का क्रम ही साधना है। और सबके अंत में शांत आत्मा को निर्गुणा स्थिति में प्रतिष्ठित करना ही चरम लक्ष्य है, चरम उद्देश्य है। जिसने मनुष्य का शरीर पाया है, जिसके भीतर मानवीय संभावनाएं ह्यूमन पोटेंशियलिटी मौजूद हैं, उनके जीवन का एकमात्र कर्तव्य है साधना के पथ पर अग्रसर हो पड़ना। किसी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए तिल मात्र समय नष्ट करना उचित नहीं है। प्रत्येक श्वास प्रश्वास में ही तुम्हारी आयु का क्षय हो रहा है। सूति का गृह में तुम जिस दिन प्रथम शिशु के रूप में आविर्भूत हुए हो उस मुहूर्त से ही तुम चिताग्नि की ओर चल पड़े हो। प्रत्येक मुहूर्त ही तुम्हें मरण के निकट से निकटतर लिए जा रहा है। इसलिए कहता हूँ कि व्यर्थ का समय नष्ट नहीं करो। ऋषि ने कहा है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बराणि बोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथ्यस्तद कवयो बदंती। उठो जागो, जहाँ ब्रह्म विज्ञान के आचार्य हैं उनके समीप जाओ तथा साधना मार्ग में दीक्षित हो जाओ। कवि शब्द का अर्थ सत्य दृष्टा है। कवि ने कहा है, यह रास्ता अति दुर्गम है, शाणित छुरधारा की भांति अति कष्टकारी है, इसलिए तुम्हें अत्यंत सतर्कता पूर्वक चलना होगा। इस दुर्गम पथ पर अत्यंत द्रुत गति से तुम्हें आगे बढ़ जाना होगा, क्योंकि तुम्हें समय अत्यंत अल्प है। रुको नहीं, आगे बढ़ चलो, पीछे की ओर मुड़कर मत देखो। याद रखो, प्रत्येक मनुष्य साधना का अधिकारी है। इसके लिए कूल सील विद्या बुद्धि या अन्य किसी संबंध की आवश्यकता कतई नहीं है। सिर्फ दो वस्तुएं चाहिए, श्रद्धा और निष्ठा। अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा इन दो वस्तुओं को जगा लो, तुम्हारी जय होगी ही। ज्येष्ठ पूर्णिमा 1956 भागलपुर।